धूप नहीं उगेगा, बादल छाया है, हो सकेगा उतना तक घूम लो, हटा लेते हैं। फिर फॉर्मूला है जो कटिंग करता है ना, इससे क्या होता है पता है? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का सुबह एकदम बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा है, बहुत ज़्यादा बादल छाया, बारिश, हाँ बादल छाया हुआ है, लगता है जिससे बारिश होगा दोस्तों। तो चलिए, आज का वीडियो होने वाला कुछ खास, तो बने रहिए हमारे वीडियो के पास। तो चलिए वीडियो को करते हैं, सकते हैं दोस्तों। रूपा जी क्या कर रही है, क्या एकदम सुबह सुबह ले आई है कटोरा भर के एकदम से? गोबर है ले जा रहे खेत, जैसे कि तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ बहुत दूर लेके जाते हैं, तो एक बार हम भर के लेके मतलब पार के और आ गए, दूसरा बार लेके मतलब सुबह सुबह एक बार पहुँचा के आ गई है, दूसरा बार ले जा रही है ना। तो हम चाहते हैं भी आते हैं, और ये इधर देखिए पानी, हाँ इधर देख सकते हैं, हम सुबह सुबह पूरा पानी पटा रहे थे दोस्तों इधर प्याज में, प्याज में, प्याज का रोपाई करेंगे फिर से। हाँ, कहा कि जो अगले बार हम लोग प्याज रोपे थे सारा गल गया था, जैसे कि आप लोगों को दिखाए थे, और आज हम लोग फिर रोपाई करने वाले हैं दोस्तों। फिर हम आके रोपेंगे, अभी आते हैं गोबर को पार के, उसके बाद हम लोग मिलके और प्याज को रोपेंगे भी। दोस्तों देख सकते हैं, आज हम लोग कम्प्लीट कर दिए हैं पूरा बाड़ी का आलू, एकदम साफ कर दिया दोस्तों। और ये 3 दिन के बाद हम लोग कोड़ पाए हैं दोस्तों, काफी दिन से कोड़ रहे थे, एकदम रेगुलर कोड़ते कोड़ते कोड़ते। इतना बड़ा बाड़ी भी है ना, बहुत बड़ा बाड़ी है। और उधर पानी जा रहा था तब तक ये लोग इधर यहाँ आलू कोड़ रहा था। हाँ, आज फाइनली हम लोग एकदम पूरा कर पाए हैं दोस्तों, और इसके बाद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा आलू कोड़ने के लिए। हाँ, अब अगले साल देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब आलू का सब्जी, आलू का सब्जी, लेकिन इस साइड ना आलू बहुत छोटा छोटा है क्या? हाँ, इस साइड मतलब पानी इतना नहीं अट जाता था, और इधर थोड़ा मतलब छोटा छोटा आयरी बनाए थे, सूख गया था काफी ज्यादा, इधर पानी भी नहीं आता है, बहुत एकदम ऊंचा है ढलान। लगते हैं इतना सारा गाछी, हम लोग प्याज गाछी खरीद के लाए थे मार्केट से, और कल शाम को ही ना, हाँ रात को लाए थे दोस्तों, और ये हम लोग अभी रोपने वाले हैं, लेकिन क्या करें लाइन ही चल गया है, पानी पटेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जितना पटा है देखते हैं रोप करके। सारा प्याज का गाछी लेके आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं, और मिट्टी बहुत ज्यादा है। अच्छा से नहीं धोता है वो लोग, वजन बढ़ता है इससे ना, इस साइड में धो देता है दिखा। हाँ, साइड साइड में खाली मतलब बांध के, और साइड साइड में खाली धो देता है बांध बांध के, लिए वजन होता है। कितना केजी है ये? 7 केजी है। 7 केजी है, 2 के वजन करेंगे ना तो 3 केजी नहीं होगा ठीक से। मिट्टी मिट्टी वजन हो जाता है, खाली मिट्टी वजन किया, इतना धोया हुआ वाला लेते, थोड़ा ऊपर में काटना ठीक है, पानी भरेगा तो नहीं दिखता है। तो हम अभी इस तरह से कट कर देते हैं दोस्तों, ऊपर ऊपर का हिस्सा पका पका हुआ है, ये सब खराब। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो कटिंग करता है ना, इससे क्या होता पता है? क्या होता है? जो मतलब जब हम लोग पानी डालते हैं ना, तो जैसे आदमी कुछ दवा खाता है तो कितना ज्यादा भूख लगता है, भूख लगता है ना जोरों शोरों से, तो कटिंग करने के बाद उस लोग को भूख बढ़ जाता है, ये हवा आता है इससे। हाँ, भूख बढ़ जाता है, उसके बाद पानी सोखता है और मरता नहीं है ना, मरता नहीं है, तुरंत लग जाता है, यही बात है। कितना बढ़ेगा, इतना तो बढ़ चुका है। हाँ, देखिए बढ़ने के बाद वो छेदा बंद हो जाता है, बंद होने के बाद सीधा मरने लगता है, तो इसीलिए कटिंग करके रोपता है ताकि उसका भूख बढ़े और फिर से वो दोबारा तैयार हो। और हम खाना वाना भी नहीं बनाए, कब बनाएंगे बताएंगे, रोप लेते हैं देखते हैं। लेकिन सारा मर गया है, देखिए एक दो बचा है, जबकि पूरा एकदम खेत में, पूरा खेत में रोपे थे, एक को नहीं दिख रहा, अभी फिर से रोपाई कर रहे हैं, इसी में रोप देते हैं, दूसरा वाला नहीं बनाए हैं खेत, इसी खेत में रोप देते हैं। थोड़ा टाइट लगता है क्या? मिट्टी बहुत दिन पहले रोपे थे ना। हाँ, ना हो सकेगा उतना तक हम लोग हटा लेते हैं, फिर लाइन अगर आता है मिल के भी रोपते तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, लाइन अगर आता है तो पानी पटा पटा करके हम लोग रोप लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इधर मिट्टी गिल्ला नहीं था, तो बहुत इस तरह से अंगूठा से एकदम से हम दबा दबा करके छेदा कर ले रहे हैं, और इस तरह करके घुसा घुसा दे रहे हैं ताकि हर जगह लग जाए अच्छा से, एकदम से पूरा टाइट हो गया है मिट्टी, इस तरह करके रोप दे रहे हैं, किसी तरह मतलब हटा देना है, इसके बाद उधर पानी पटा करके अच्छी तरह से रोपे हैं दोस्तों। देख सकते हैं सबका हाथ में, देखिए एकदम से पूरा एकदम से मिट्टी लग गया है दोस्तों, और इधर देख सकते हैं एकदम से हम लोग रोप लिए हैं दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक पूरा कम्प्लीट कर दिए हैं, और ये जो हम लोग काट के रखे थे ये बकरी के लिए चारा बन जाएगा, इसको हम लोग चारा के रूप में दे देंगे बकरी को खाने के लिए, तो
चलते अभी खाना बनाते हैं ना दोस्तों, कुछ भी खाना नहीं बनाया, मुंह भी नहीं धोए हैं, जाते फ्रेश मतलब बहुत सुबह ही उठे हैं। देखिए अभी तक अच्छा तरीका से धूप भी नहीं निकला है और हम लोग सारा काम काज कर लिए हैं दोस्तों, हम जाते अभी खाना बनाते हैं जल्दी जल्दी। चलिए सो दोस्तों बाड़ी से हम लोग सीधे आ गए गौ माता के पास दूध निकालने। क्या अभी चाय वगैरह बनाएंगे क्योंकि भूख भी लग गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 10 बजने को चला है, धूप नहीं होगा लास्ट में। धूप नहीं उगेगा, बादल छाया है आज, पूरा देख सकते हैं पूरा बादल छाया है, देखिए किस तरह से धूप नहीं उगला। और कभी कभी ना बारिश भी हो जाता है, टिप 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 टिप, इतना बादल छाया है। देख सकते हैं इतना सारा दूध हम लोग निकाल चुके हैं अभी और इसको रख देते हैं। और हमारा बारिश हुआ तो देखिए इधर भींज गया, बारिश हुआ है, देखिए बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, टिप 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 छोड़ा। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग चाय में नाश्ता कर लिए हैं और ये चाय नहीं पीता है, ये चाय वगैरह नहीं पीता, ये माड़ भात खाता है दोस्तों, तो अभी सब्जी नहीं बना सकते हैं, तो भात बन गया है मतलब माड़ भात, और सब्जी बाद में बनाएंगे, तो पहले चटनी बना के इसको कुछ खाने दे देते हैं। तो चलिए अभी जाते हैं बगान टमाटर तोड़ने के लिए, चटनी बनाएंगे स्पेशल चटनी। इधर गेट बंद है देख सकते हैं, हम लोग यहाँ जो बगान लगा हुआ है ना दोस्तों, ये बगान में हम लोग गेट बंद कर देते हैं क्योंकि जितना बकरी है ना छोटा छोटा सब खा जाएगा, इसलिए बंद करके रखते हैं। अरे देखिए यहाँ कितना सुंदर सुंदर टमाटर पका हुआ है, अभी तोड़ते हैं इसको, इधर भी है, चिट्टी काट। फाइनली देखिए इतना सारा टमाटर तोड़ लिए हैं और चलते हैं इसका चोखा बनाते हैं स्पेशल एकदम देसी स्टाइल में। घर पहुंच चुके हैं दोस्तों और देख सकते हैं यहाँ चूल्हा एकदम आग जल गया है, चावल हुआ तो उसी चूल्हा में भी टमाटर को पका रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं चूल्हा में जो टमाटर पका हुआ रहता है ना दोस्तों, पका हुआ वो वाला का चोखा एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में दोस्तों। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक हम जाते हैं धनिया पत्ता लेके आते हैं बगान, हमारी बगान छोटी सी, और अभी यहाँ से धनिया तोड़ते हैं दोस्तों, ओला तोड़ लेते हैं एकदम हरा हरा है ओला, सारा धनिया हरा हरा धनिया तोड़ लिए हैं, अभी चलते हैं इसको धोते हैं अच्छा से, अभी अच्छा से धो लिए हैं इसको और छोटा छोटा इसको टुकड़ा में कट करेंगे दोस्तों। देखिए ये वो लहसुन देख सकते हैं, इसका भी छिलका उतार लेते हैं लहसुन का बढ़िया से, तो देखिए छिलका उठा लिए हटा दिए इसका, और अभी इसी में मिक्स करते हैं लहसुन, टमाटर को भी बढ़िया से भी धो लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग गोइठा में खाना बनाते हैं उसी में पकाए, तो गोइठा वाला जो छाग होता है ना वो वाला लग गया होगा, तो अभी बढ़िया से धो लेते हैं इसको, देख सकते हैं दोस्तों टमाटर है, धनिया पत्ता है, लहसुन है, ये सारा सिलबट्टा में पीसेंगे सब दोस्तों, और मिर्ची लेके आते हैं, मिर्ची नहीं डाले इसमें, तो यहाँ बगान से तोड़ते हैं दो हरी मिर्च दोस्तों, खिचड़ी ले लिया है दोस्तों, और अभी नमक भी ले लेते हैं स्वाद अनुसार, और अभी सारा सामान को सिलबट्टा में एकदम अच्छा से पीसते हैं, देखिए टमाटर को भी पीसते हैं, तो एकदम टेस्टी चटनी बन के हो गया है रेडी दोस्तों, देख सकते हैं काफी सुंदर एकदम, सब हमारे घर की सामान है, घर में सब उगाए क्या, टमाटर धनिया सब तो खाली लहसुन नहीं था, कितना सुंदर लग रहा है, अभी खा के टेस्ट बताएंगे कैसा लग रहा है सो, देख सकते हैं दोस्तों चावल बना लिए थे पहले, और ये जो मिला है ना चावल देखिए किस तरह से हो जाता है, पूरा एकदम गीला हो जाता है चावल, बड़ी खराब होता है दोस्तों, इसका माड़ भात ही अच्छा लगता है सबसे ज्यादा ना, तो अभी इसमें माड़ डालते हैं दोस्तों, देखिए गाँव की फेमस माड़ भात, तो दोस्तों अभी थोड़ा सा सरसों तेल डाल रहे हैं चटनी में, तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मिल गया है माड़ भात और देसी चटनी के साथ, कितना सुंदर लग रहा चटनी देखिए, चटनी देखिए हमारा कितना खतरनाक बना हुआ है, देखिए कितना गजब दिख रहा है एकदम मस्त है, एक नंबर बना है, देसी सिलबट्टा में पिसा हुआ चटनी एकदम मस्त लगता एकदम है। उसका जो स्वाद आता है ना देखिए पूरा तरह एकदम तेल निकल जाता है चटनी का, चटनी कितना अच्छा लगता है, इसमें खट्टा मीठा सब लगता है, हाँ, तीखा सब स्वाद आता है इसमें, मस्त लगता है एकदम, घरेलू एकदम चोखा है,
मस्त लगता है, बेजोड़ लगता है दोस्तों। तो भी माड़ भात के साथ ही खाएंगे क्या? हाँ, माड़ भात और चोखा के साथ हम इसको भी फिनिश करते हैं दोस्तों। इसको दे दिए हैं माड़ भात और चटनी खाने के लिए। हाँ। मेरे लिए भी रख दीजिएगा थोड़ा। हाँ, मेरा हाँ। भी मुंह में पानी आ रहा है। और आप लोगों का मुंह में पानी आ रहा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा चटनी, जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा कॉमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।